एमराल्ड्स माइनक्राफ्ट की मेन करेंसी, जिसका यूज हम दो चीजों के लिए कर सकते हैं, पहला ट्रेडिंग और दूसरा बीकन बनाने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर हमें सिर्फ एक एमराल्ड को पूरे बीकन में कन्वर्ट करना हो? तो इस वीडियो में हम अटेम्प्ट करने वाले हैं सिर्फ एक एमराल्ड को पूरे बीकन में कन्वर्ट करने की। बट देयर इज अ ट्विस्ट, हम ब्लॉक्स नहीं तोड़ सकते जब तक वो हमने खुद क्रिएट या ट्रेड ना किए हो। किसी भी चेस्ट से सामान लूट नहीं सकते और इस पूरे चैलेंज में सिर्फ एक मॉब को मार सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स होगा विदर स्केलेटन। लेकिन एक मिनट, फिर हम विदर को कैसे मारेंगे? और साथ ही इस पूरे चैलेंज की शुरुआत हमें एमराल्ड ट्रेड करके करनी होगी। तो हम ब्लॉक्स नहीं तोड़ सकते, लूट नहीं कर सकते और विदर को भी नहीं मार सकते, तो आखिर हम बीकन बनाएंगे कैसे? जितना कॉम्प्लिकेटेड ये सुनने में लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा करने में है। तो अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड लेट्स एम फॉर 50,000 लाइक्स एंड या एंजॉय द वीडियो। तो वर्ल्ड में स्पॉन होती हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हंगर बार, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और हम ट्रेड किए बिना कुछ भी खरीद नहीं सकते थे। तो इसीलिए हम शुरुआत में बहुत ज्यादा स्लो चल रहे थे, कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहे थे। बट नजदीक ही हमें एक विलेज दिखाई दी और विलेज के अंदर जाकर हमें सोने के लिए बेड मिल गए। तो हमने अगले काफी सारे दिन विलेज के अंदर रहकर ट्रेडर का इंतजार किया। और ट्रेडर गेम में अप्रोक्स 14 डेज में एक बार स्पॉन होता है, लेकिन हम इस वर्ल्ड में 15 डेज से ज्यादा एफ के रहे, पर ट्रेडर भाई का कोई नामो निशानी नहीं था। तो हमें लगा कि शायद ये विलेज ही श्रापित है। तो हम गए गाँव से बाहर और फिर हमने पेड़ों के ऊपर रहकर एफ के किया, लेकिन फिर भी ट्रेडर भाई स्पॉन नहीं हुए। और इसी के साथ इस वर्ल्ड में 24 दिन भी कंप्लीट हो गए। फिर हमें लगा कि एएफके करके कुछ भी नहीं होगा और साथ ही हम क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं बना सकते थे। और क्राफ्टिंग टेबल हमें किसी विलेज से मिल सकता है, प्लेन बायोम्स के विलेज के अलावा किसी भी विलेज में। तो फिर हमने नए विलेज की तलाश की और थोड़ी देर बाद हमें सैंड विलेज दिखाई दी, पर वहां पर कोई क्राफ्टिंग टेबल ही नहीं था। तो फिर हम गए अगले विलेज की तलाश में। थोड़ी देर बाद हमें एक और विलेज दिखाई दी, लेकिन वहां पर भी कोई क्राफ्टिंग टेबल नहीं था। तो फिर हम गए तीसरे गांव की तलाश में। विलेज से पहले हमें एक पिलेजर आउटपोस्ट दिखाई दिया और वहां पर एक क्राफ्टिंग टेबल भी रखा हुआ था, लेकिन एक पिलेजर ने हम पर हमला कर दिया तो हमें वहां से भागना पड़ा। थोड़ी देर बाद हमें अपनी तीसरी सैंड विलेज दिखाई दी और फाइनली वहां पर हमें क्राफ्टिंग टेबल भी मिल गया। तो अब हमें सिर्फ ट्रेडर भाई का इंतजार करना था। तो हम उसका इंतजार करते रहे। 40-50 दिन ऐसे ही बीत गए। तो हमें लगा कि इस गेम के वर्जन में घपला है, क्योंकि हम खेल रहे थे 1.20। तो फिर मैंने 1.19 में वर्ल्ड बनाया और काफी दिनों तक एएफके किया। इसी बीच मुझे गन्ने भी मिले, लेकिन क्योंकि हमें स्टार्टिंग एमराल्ड से ही करनी थी तो इसका कुछ भी खास फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं ट्रेडर के लिए एएफके करता रहा और फिर फाइनली मुझे फैंटम्स ने पेल दिया। और फिर मुझे लगा कि ये वर्जन भी श्रापित था। तो अब टाइम था 1.18 का। लगली नए वर्ल्ड में मुझे नजदीक ही एक विलेज मिल गया, तो मैं काफी दिनों तक वहीं पर एएफके करता रहा, लेकिन कहीं पर भी ट्रेडर का नामो निशान नहीं था। तो मुझे लगा क्या पता ये वर्जन भी श्रापित ही होगा। लेकिन तभी मुझे वो प्यारी आवाज सुनाई दी, तो मैं जल्दी से बाहर गया, लेकिन वहां पर ट्रेडर नहीं था, सिर्फ उसके लामा थे। और मुझे ट्रेडर की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका मतलब था कि ट्रेडर भाई मिस्टर इंडिया बन चुके हैं। ट्रेडर भाई ने पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी पी लिया था, लेकिन लकली मैंने उन्हें ढूंढ लिया और भगवान की कृपा से वो गन्ने भी बेच रहे थे। वैसे ट्रेडर का गन्ना बेचने का सिर्फ 10% चांस होता है, तो इस मामले में हम काफी लकी रह गए, क्योंकि अगर ये गन्ना ना बेचता तो हमारा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता। तो मैंने ट्रेडर भाई से गन्ना लिया और जल्दी से उसे फार्म कर दिया। हेलो 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 हेलो, गन्ना दे दो, जल्दी कर दे फार्म, जल्दी। किधर करो? जल्दी तो करूं, किधर? नीचे नीचे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। वो देख सामने एक और विलेज है। शीश, ये तो देखा नहीं था मैंने पहले। वो कार्टोग्राफर है यहाँ पे, 24 का बेच रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी हंगर बार ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और खाने के लिए हमें चाहिए था एमराल्ड, एमराल्ड के लिए हमें गन्ने से पेज बनाने थे और गन्ने से पेज के लिए हमें चाहिए था क्राफ्टिंग टेबल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन विलेजेस में क्राफ्टिंग टेबल नहीं होता। तो मैंने स्पार्क को दूसरे विलेज की तलाश पर भेजा और उतनी देर में मैं गन्ने फार्म करता रहा। मैंने डैमेज ले ली। भाग जा। किसकी डैमेज ली? खुद ही जंप करके। अबे ढंग से चलना। गोलम भाई प्लीज। आ मेरी जान। अब इसने तो दिया नहीं खाना। अभी नहीं, रुक जा, हो जाएगा जुगाड़, हो जाएगा। ज़ॉम्बीज़ है, बहुत सारे स्पॉन हुए सामने। अगर सुबह होगी तो ये जल के मर जाएंगे, है ना? नाइस, मर जाओ। ग्रेट। और काफी दिन के स्ट्रगल के बाद स्पार्क को एक सवाना विलेज मिली। मिल गई विलेज, मिल गई।
और थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद वहां पर उसे क्राफ्टिंग टेबल भी मिल गया, साथ ही वहां पर कार्टोग्राफर भी था और एक टूलस्मिथ भी था। तो एक तरीके से हमें बिल्कुल परफेक्ट जगह मिल चुकी थी। तो मैं भी इस पार्क के पास ही चला गया, लेकिन अभी भी हमारे पास ट्रेडिंग लायक गन्ने नहीं थे, हमें चाहिए थे अंधे गन्ने। तो हम काफी दिनों तक AFK करते रहे, और काफी दिनों से मेरा मतलब है काफी सारे दिनों तक। फिर हमने गन्ने से पेज बनाए और कार्टोग्राफर को ढूंढने लगे, लेकिन फिर हमारे साथ एक और स्कैम हो गया। विलेज में कार्टोग्राफर का टेबल तो था, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी कार्टोग्राफर का कहीं भी पता नहीं चल पाया। सुन वो देख, यहाँ पे कार्टोग्राफर कहाँ पर है, मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे भी। जिसका शायद ये मतलब था, या तो इस विलेज से भाग गया या फिर वो इस दुनिया से ही भाग गया। अब तुम्हें दूसरे विलेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो लंगड़ा हूँ। मैं तो लंगड़ा हूँ। सारी ट्रेड कर गया हूँ इनको। हाँ, ट्रेड करके आ और खाना लेके आ मेरे लिए जल्दी। तो राम जल्दी नाम तो बेटा खुद करना पड़ेगा तेरे को, जल्दी जल्दी। मेरे पास में नहीं खाने को। मेरे पास तो एक ही हंगर बार है बची हुई, तो मेरे पास भी हो जाएगी खत्म जब तक मैं दूसरे विलेज में पहुंचूंगा। जिसका मतलब था कि अब हमें नई विलेज ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अरे मिल गई, दूसरे विलेज इधर ही है। अच्छा, ये तो बहुत नजदीक है। हाँ देख, कार्टोग्राफर है वहां पे। ओह हाँ, लाइब्रेरियन बेच रहा है, जल्दी खरीद जल्दी। क्योंकि उस विलेज के सिर्फ 100 ब्लॉक्स दूरी एक और विलेज थी, और वहां पर हमें लाइब्रेरियन मिल गया जो कि पेपर के बदले एमरल्ड बेच रहा था। तो हमने जल्दी से उसे ट्रेड किया और हमें टोटल 22 एमरल्ड मिले। वापस से विलेज में आकर हमने जल्दी से ब्रेड खरीदी, तो अब हमें क्राउच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम जितना मर्जी चाहे उतना तेज भाग सकते हैं। 9 ब्लॉक्स है ना? ये लो भिखारी, ब्रेड लो। धन्यवाद। फिर हमने वेपन्स में से 2 आयरन एक्स खरीदी, पर उसका कोई यूज ही नहीं था। अभी भी हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अगले काफी सारे दिन तक हमने फिर से गन्ने फार्म किए और AFK किया, और साथ ही हम वेपन्स स्मिथ को भी अपग्रेड करते रहे क्योंकि हमें उससे एक स्वॉर्ड भी खरीदनी थी। लेकिन तभी ट्रेडर भाई स्पॉन हो गए और वो बेच रहे थे मॉस ब्लॉक्स। मॉस ब्लॉक्स पर बोन मील यूज करने से पेड़ ग्रो हो जाते हैं, तो हमारे पेड़ों का जुगाड़ ऑलमोस्ट हो ही गया। इसी के साथ हमने उसे डर्ट ब्लॉक भी खरीद लिए, पता नहीं क्यों इनका आगे कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद भी हमने गन्ने फार्म किए और एमरेट खरीदे। लाइब्रेरियन भाई हमें बुकशेल्फ बेच रहे थे, और बुकशेल्फ बहुत ही काम की चीज है, तुम्हें आगे समझ आ जाएगा। तो अब हमें बोन मिल चाहिए था, और क्योंकि हम किसी भी मॉब को मार नहीं सकते, तो हम रात को भी AFK करते रहे ताकि बहुत सारे स्केलेटन भाई स्पॉन हो जाए, और फिर हमने उन्हें डीलेट में बाहर निकाल कर मारा। काफी कष्टों के बाद थोड़ी बहुत बोन्स इकट्ठा हो ही गई, तो हमने मॉस ब्लॉक पर उनका इस्तेमाल किया। बड़ा कर उसको, बड़ा कर, बड़ा कर। अरे ये तो खत्म हो गया सारे। बट सैडली मॉस ब्लॉक की सैपलिंग को ग्रो करने के लिए बोन मिल कम पड़ गया। ओ भाई, काफी कम मिल रहा है इससे तो। घंटी से ऐसी कोई 10 घंटे, 10 या 12 घंटे खरीदनी पड़ेगी। अरे भाई, 10 12 घंटे कहां से लाएंगे यार, हमारी घंटी बच जाएगी उसको खरीदते खरीदते। तो या तो रात को हमने एक बार फिर से AFK किया और फिर नेक्स्ट डे बोन्स इकट्ठा की। तीन चार हो गए। नाइस। अब अंदर आना, घर के अंदर आ। वहाँ इधर है। दो इधर है, एक सामने की तरफ है। और फिर फाइनली हमने इस वर्ल्ड का पहला ट्री ग्रो किया, जो हमने खुद किया। आ गया पहला पेड़। डैम, पेड़ काटकर हमें 15 लॉग्स मिले, तो हमने फाइनली क्राफ्टिंग टेबल को क्राफ्ट किया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था एक आयरन बकेट बनाना, लेकिन हम किसी भी मॉब को मार नहीं सकते, तो आयरन हमें मिलने वाला था आयरन गोलम भाई की अस्थियों से, मतलब हमें उसके टूटने का इंतजार करना पड़ेगा और उस काम में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होने वाला था। तो उतने टाइम हमने बोन्स इकट्ठा की और पेड़ उगाते रहे। तो अब हमारे पास 50 लॉग्स हो गए थे और हम लकड़ियों के अंबानी बन गए थे। गोलम भाई के टूटने का इंतजार करते करते हम खुद टूट गए, और तभी हमें याद आया कि कैक्टस से भी सभी एंटिटीज को डैमेज होता है, तो उसका यूज करके हम आयरन गोलम भाई को भी मार सकते थे। लेकिन अगर हमें कैक्टस मिल भी जाए तो भी हम उसे तोड़ नहीं सकते खुद। कैक्टस को तोड़ने के लिए भी हमारे पास एक जुगाड़ था। तो उस पार्क कैक्टस की तलाश पर गया, और मैं उसी विलेज में गोलम को मारने की नाकाम कोशिश करता रहा। ओ, सैपलिंग बेच रहा है ये ट्रेडर। कौन से? एकेशिया सैपलिंग। अरे ये नहीं होती ढंग से ग्रो, पर चल देख ले। 5 की ले रहा हूँ मैं। वो मैं पहुंच गया, मेरे को कैक्टस दिखाई दे रहा है। गुड। ओकरी पर भी दिखाई दे रहा है। फाइनली स्पार्क को कैक्टस मिल गया, लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, कैक्टस को हम खुद नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन लकीली वहां पर क्रीपर थे, तो क्रीपर के एक्सप्लोजन से हम कैक्टस को तोड़ सकते थे, क्योंकि टेक्निकली कैक्टस को हमने नहीं तोड़ा, क्रीपर ने तोड़ा। कम ऑन क्रीपर भाई, लेट्स डू दिस क्रीपर भाई। यस यस यस, आइए। हो गया, मिल गया। और कैक्टस के साथ हमें सैंड भी मिल गई, तो हमारा ये तरीका बिल्कुल सफल हो गया।
थोड़ी देर बाद स्पार्क वापस से विलेज में भी आ गया और वहां पर जितने भी गोलम थे हमने सभी को टपका दिया। बस इधर 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 होल्ड करके रखते, होल्ड करके रखो। थोड़ा सा कष्ट है गोलम भाई, प्लीज थोड़ा सा बलिदान, आपका बलिदान जरूरी है प्लीज। पांच मिले भाई, क्या बात है, मजा आ गई है तो। सल्यूट है गोलम भाई को। अरे 20 सैंड मिले थे यार ऐसे मेरे को क्रीपर एक्सप्लोजन से। व्हाट द हेक। मेरे पास 10 आयरन हो गया। अबे ज़ॉम्बी विलेजर आ गया तेरे पीछे, साइड में हट। अरे अरे मार मत इसे भाई मेरे। और अब हमारे पास आयरन भी था और बकेट भी, तो अब बारी थी हमारे नेक्स्ट टास्क की, जो था स्टोन बनाना। स्टोन के लिए हमें लावा चाहिए था और हमें लावा पूल मिल भी गया। लावा का यूज करके हमने पानी के पास स्टोन बनाए, तो हम कॉबल स्टोन ब्रेक कर सकते थे क्योंकि लावा हमारा, पानी हमारा और कॉबल स्टोन भी हमारा, सब कुछ हमारा। और फिर फाइनली हमने कॉबल स्टोन जनरेटर बनाया। अच्छा रुक जा। ओ स्केली भाई, कोई नहीं है गोलम हमारे पास। अच्छा एक मिनट, इसको तो मार सकते हम भी। और एक और चीज, इसके साथ ही हम लावा से मॉब्स भी मार सकते थे क्योंकि हम उन्हें हिट नहीं कर रहे, तो टेक्निकली वो लावा के डैमेज से मर रहे हैं। फिर हमने काफी देर तक कॉबलस्टोन माइन किया, लेकिन तुम सोच रहे होंगे कि हम कॉबलस्टोन क्यों माइन कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट था एक आयरन फार्म बनाना, और इस काम के लिए हमें काफी सारा कॉबलस्टोन चाहिए था। और साथ ही हमें ध्यान आया कि लावा से हम गोलम का शिकार भी कर सकते हैं। अरे नहीं, गुड। तो जितने भी गोलम स्पॉन हो रहे थे हमने सभी को मार दिया और हमारे टेम्परेरी आयरन का जुगाड़ भी हो गया। ये बात मिल गया, कितने मिले? 11 हो गए, अब 5 मिले होंगे। लेकिन सीन ये था कि आयरन फार्म के लिए भी हमें आयरन की दो चीजें चाहिए थी, हॉपर और एनविल। हॉपर से हम आयरन कलेक्ट कर सकते थे और एनविल से हमें जोम्बी को नाम देना था ताकि वो डिस्पॉन ना हो जाए। लेकिन दोनों विलेज के गोलम्स को मारने के बाद भी हमारे पास बहुत ज्यादा आयरन नहीं हो पाया क्योंकि हमें 8 हॉपर भी चाहिए थे, लेकिन इसका जुगाड़ हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद हमने आयरन फार्म के लिए एक जगह ढूंढी और हमें बहुत ही खुली जगह मिली। फार्म में विलेजेस को कैप्चर करने के लिए हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, और वैसे हम 2 आयरन फार्म बनाने का सोच रहे थे क्योंकि हमें लगा कि अगर 2 आयरन फार्म होंगे तो हमें ज्यादा आयरन मिलेगा। बट स्पॉइलर अलर्ट, एक फार्म के अंदर ही मजदूर डालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, तो दूसरा फार्म बनाकर कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो विलेज से विलेजर कैप्चर करके हम फार्म के नजदीक लाए, लेकिन रात के टाइम हमें पता चला कि विलेजर को ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत सारे बेड का लालच देना पड़ेगा। अरे ये तो कहीं और कोई जा रहा है, बेड का लालच देकर करना पड़ेगा कैप्चर। अबे ज़ॉम्बी आ गया, ज़ॉम्बी आ गया, मार भी नहीं सकते इसे। और फार्म के ऊपर जाने का रास्ता भी मैंने बहुत ही सतरंगी सा बनाया हुआ था, तो उसे तोड़कर हमने नया रास्ता बनाया, और इसके साथ ही हमने बहुत सारे बेड्स भी बनाए, लेकिन फिर भी विलेजर ऊपर नहीं गए, तो ये तरीका भी फेल हो गया। अरे तेरे को सोना पड़ेगा यार, क्या मच गया यार, इसका क्या करें। लेकिन विलेजेस को ऊपर ले जाने का हमारे पास यही तरीका था क्योंकि हमारे पास रेल कार्ड तो थी ही नहीं और हम आयरन माइन भी नहीं कर सकते थे, तो हमने बेड को अलग तरीके से प्लेस करने का सोचा। सैडली इन सभी काम के बीच में एक विलेजर भाई शहीद हो गए, रेस्ट इन पीस विलेजर भाई। उसके बाद हमने फिर से रात होने का इंतजार किया, साथ ही हमने लाओ से जानवरों को मारकर खाना इकट्ठा किया और विलेज में जाकर लकड़ी इकट्ठा की। ग्रेप कैप्चर, अच्छा लगा ग्रेप। बैड लगा। यस भाई जी किधर भाई जी देखा तो है इसने बैड, पहले भाई एक का करना पड़ेगा आई थिंक। अबे वहां पे इसके साथ ज़ॉम्बी विलेजर बन गया है, नाइस। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अबे ड्रोनर बैठ गया इसके साथ खुद दे यार, क्या सीन हुआ यार। लेकिन एक और विलेजर भाई शहीद हो गए। ये गांव मुझे बड़ा सुनसान सा लग रहा है। पहाड़ के ऊपर रहता है सुनसान सी कोठी में, उसको लाओ। हाँ हाँ मिल गया। ये सोच रहा था बच जाएगा पहाड़ के ऊपर घर बना के। हमसे कैसे बचेगा तू, कैसे बचेगा तू हमसे। जैसे तैसे हमने सभी विलेजर्स को अंदर डाला फार्म के, तो अब सिर्फ एक आदमी बचा था, आदमी तो नहीं है
सिर्फ ज़ॉम्बी भाई बचे थे, पर हमारे पास नेम टैग ही नहीं था, तो अगर हम उसे कैप्चर करके फार्म से दूर जाते हैं तो वो डिस्पॉन हो जाएगा। जब तक हम इस चीज का जुगाड़ कर रहे थे तभी हमें याद आया कि फार्म के लिए हमें नेदरवुड की जरूरत भी पड़ेगी, तो अब बारी थी नेदर में जाने की। तो हम एक लावा पूल के पास गए और काफी अच्छे तरीके से एक नेदर पोर्टल बनाया। ए! ओह नो! पोर्टल पूरा बर्बाद होने से बच गया और जैसे तैसे जुगाड़ बिठाकर हमने पोर्टल कंप्लीट कर ही दिया। अब बस उसे लिट करना बचा था, तो हमने वही क्लासिक लकड़ी वाले तरीके का यूज किया क्योंकि हमारे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं था। इधर ही बायो में नीचे है पेड़, नाइस बेड भी है हमारे पास। और लकीली नेदर में जाते ही हमें क्रिम्सन फॉरेस्ट मिल गया। लेकिन एक मिनट, हम पेड़ तो काट ही नहीं सकते, तो आखिर हम वुड इकट्ठा करेंगे कैसे? तो इसके भी हमारे पास दो तरीके थे। तो हमारा सबसे पहला तरीका था बेड का इस्तेमाल करके एक्सप्लोजन करना, क्योंकि एक्सप्लोजन से हमें गिरे हुए ब्लॉक्स मिल सकते हैं। ओके टूट गया पेड़। भाई मैं टूट गया था यहाँ पे। तू किधर था? अरे वो भाई इतना ज्यादा एक्सप्लोजन, बच गया मैं, दो बच गया ना, डेढ़ हार्ट बचा बस मेरे पास। लेकिन सैडली ये तरीका काम नहीं किया, पर इससे नेदर वॉट ब्लॉक ही मिले क्योंकि शायद वो लकड़ी थी, तो इसलिए वो शायद एक्सप्लोजन के साथ ही जल गई। और फिर काफी देर सोचने के बाद हमने एक और तरीका सोचा, जो था फंगस का इस्तेमाल करके पेड़ को ग्रो करना ब्लॉक का। अच्छा यार, इससे हो जाएगा ब्लॉक का जुगाड़ मशरूम से। हाँ वही बोल रहा था मैं, नेदरैक हो गया, नेदर वॉट ब्लॉक भी हो गया, मशरूम तोड़नी है। मिला? या मिल गई। ग्रेट, हड्डी नहीं मेरे पास पर। और क्योंकि हमने इसे खुद नहीं ब्रेक किया तो ये फंगस अब हमारी थी, और फिर बोन मिल का इस्तेमाल करके हमने उसे ग्रो किया। ओके। ओ भाई, काफी बड़ा पेड़ हुआ है तो नाइस, गुड, ठीक है। घर वापस आकर हमने छोटे मोटे काम किए और रात होते ही ज़ॉम्बी को कैप्चर करने का प्लान शुरू कर दिया। अरे आ भाई, अरे अच्छा मेरे पीछे आ रहा है, सॉरी। क्या करूं मैं इसका अब? ओ तेरी भैंस की, ओ भाई, आजा। क्या हुआ भाई? भाई साहब, दो हार्ट बचे बस। चलो हो गया कैप्चर ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी को हमने काफी इजीली कैप्चर कर दिया और फिर हम फार्म बिल्ड करने ही वाले थे। लेकिन अगर हम फार्म बनाते तो शायद ये ज़ॉम्बी डिस्पॉन हो जाता, क्योंकि अभी भी हमारे पास नेम टैग नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा आधा फार्म रेडी था तो गोलम ऑलरेडी स्पॉन हो रहे थे और लावा तो हमारे पास था ही। तो स्पार्क ने लावा का इस्तेमाल करके गोलम्स को कुंभी पाकम की सजा दी और एनविल के लिए आयरन इकट्ठा किया। जितनी देर मैंने ये काम किया उतनी देर फ्लेम विलेज में गया और जो बुक शेल्फ हमने थोड़ी देर पहले खरीदी थी उसका इस्तेमाल करके एक लैक्टन बनाया, और अब इसका इस्तेमाल करके हम लूटिंग 3 के लिए ग्राइंड कर सकते थे। तो काफी देर तक हमने यही दो काम किए और थोड़ी देर बाद हमें लूटिंग भी मिल गई, और वो भी डायरेक्ट लूटिंग थ्री। भाई ओ भाई, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मजदूरी नहीं हुई इस बार इतनी। तो अब हमें सिर्फ ज़ॉम्बी को एक नाम देना था, पर उसके लिए हमारे पास नेम टैग ही नहीं था। तो फ्लेम ने विलेज में काफी देर तक गन्ने फार्म किए और फिर काफी सारे एमरल्ड इकट्ठा किए, और फिर नेम टैग के साथ लूटिंग की एक बुक भी खरीद ली। फिर हमने एनविल का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी को एक नाम दिया। चलो पूरा, मैं तब तक दूसरी लूटिंग खरीदता हूँ। तो फिर फाइनली ज़ॉम्बी को नाम देकर मैंने फार्म बनाना शुरू किया। उतनी देर में फ्लेम ने बचे हुए आयरन से स्मिथिंग टेबल बनाया और सभी बेरोजगारों को टू स्मिथ बना दिया ताकि हम इजीली आयरन बेच पाए। लेकिन फार्म बनाते हुए एक ब्रा मोमेंट हो गया। ठीक है, चल रहा है गोलम, आयरन गोलम फार्म पर, ये स्पॉन तो थोड़ा गलत जगह पे हो गया अभी। नहीं, गोलम भाई इसको नहीं मारना, ये तो भैया इसको मार दिया अपने। नहीं ना बांस की बंसी ना सोने का सरिया। अरे यार ज़ॉम्बी मार दिया यार, सीन हो गया, ज़ॉम्बी को गोलम ने मार दिया। तो अब हमें ज़ॉम्बी को दोबारा से कैप्चर करना पड़ेगा, और ज़ॉम्बी को अंदर डालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, तो इस काम को करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आई थिंक मैं ज़ॉम्बी को कैप्चर कर लूंगा। One eternity later. Yes, हो गया कैप्चर, डन कर दिया भाई कैप्चर। अलग ही कष्ट वाला काम था, पर हो गया।
ज़ॉम्बी को तो हमने कैप्चर कर लिया, पर उसके लिए हमारे पास नेम टैग ही नहीं था और ना ही नेम टैग के लिए हमारे पास एमलेट थे। तो फ्लेम ने विलेज में रहकर काफी देर तक ट्रेड किया और ताकि ज़ॉम्बी डिस्पॉन ना हो जाए मुझे वहीं पर रहकर एएफके करना पड़ा। साथ ही हमारे पास हॉपर के लिए भी आयरन नहीं था तो आयरन को भी मैं खुद ही कलेक्ट करता रहा। फिर हमने फाइनली हॉपर बनाया और ज़ॉम्बी को दूसरी बार नाम दिया जो था हम इंस्टा पर फॉलो कर दे। आयरन फार्म काफी अच्छे से काम कर रहा था तो हमने आयरन आर्मर और टूल्स भी बना दिए और अब हमें सिर्फ विलेजर्स से ट्रेड करना था, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए था अंधा आयरन। तो हमने 9-10 घंटे तक सिर्फ एएफके किया। 2000 years later. और हमारे पास बहुत ही सारा आयरन हो गया। फिर हमने विलेज में जाकर आयरन ट्रेड करना शुरू किया। काफी दिन तक हम सिर्फ ट्रेड ही करते रहे, लेकिन हमें डायमंड के आर्मर और टूल्स भी चाहिए थे जिसके लिए हमें जरूरत थी आर्मर और वेपन स्मिथ की। तो हमने एक ब्लास्ट फर्नेस और एक ग्राइंडस्टोन बनाया, फिर दो नल्ले बेरोजगार विलेजर्स को जॉब दी और काफी सारा ट्रेड करके उन्हें मैक्स लेवल तक पहुंचाया। इस पूरे काम को करने में हमने जितने भी एमरल्ड्स कमाए थे ऑलमोस्ट सारे लग गए, लेकिन हमारे पास फुल डायमंड आर्मर हो गया था। साथ ही हमने एक्स और स्वॉर्ड भी ले ली। ए, 13 का हो गया भाई, अब क्या कर क्या रहे हैं? दो बारी करना पड़ेगा हमको इसको चेस्ट को फुल उधर आयरन फार्म वाले, तब भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। बीकन के लिए बहुत सारे एमरल्ड लगने वाले थे लेकिन हमारा सारा आयरन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, जिसका मतलब था कि हम एक बार फिर से एफके करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा एक और टास्क बचा था जो था विदर को मारना। तो हमने स्वॉर्ड पर लूटिंग ऐड की और सारे जरूरी सामान लिया। साथ ही हमने काफी सारे ब्लॉक्स भी माइन किए क्योंकि हम नेदर एक ब्रेक नहीं कर सकते तो हमें स्टोन का यूज करके ट्रेवल करना पड़ेगा। तो हम एक बार फिर से नेदर में गए और बिना टाइम वेस्ट किए फोर्ट्रेस ढूंढने लगे। ओ फोर्ट्रेस फोर्ट्रेस यहाँ पे, ओ हाँ पहुंच गए आ जा। ओए 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 भाई ब्लेज ब्लेज ब्लेज। थोड़ी देर बाद ही हमें काफी बड़ी फोर्ट्रेस मिल भी गई तो हमने विदर स्केलेटन्स को मारना शुरू किया। अच्छी चीज ये थी कि वहां पर काफी सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे तो स्कल्स इकट्ठा करते हुए हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। एक तो मिलना चाहिए अब। ओ मिल गया एक मिल गया, क्या बात है। दो और सामने है, एक और। ओए मिल गया। व्हाट द हेक ये भाई, अबे क्या है वहां पे? उधर तो क्या है भाई, उधर सब कुछ हो गया स्पॉन, नेदर का हर एक मॉब हो गया उधर स्पॉन। वही देख रहा था मैं। ओ मिल गया। नाइस। चल चलते अब। स्कल्स इकट्ठा करने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क था सोल सैंड इकट्ठा करना। सोल सैंड को भी हम बेड का इस्तेमाल करके इकट्ठा करने वाले थे तो हम सोल सैंड वाले एरिया के पास गए और बेड को एक्सप्लोर किया। ओ भाई, अरे 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 भाई, ये तो कुछ भी नहीं आया हाथ में तो। लेकिन किसी रीजन की वजह से हमें सोल सैंड नहीं मिली। तो पहले हमें लगा कि शायद हम एक्सप्लोजन का यूज करके सोल सैंड इकट्ठा नहीं कर सकते और इस चीज से हम बहुत ही ज्यादा दुखी थे। लेकिन फिर हमने सोचा क्यों ना हम इस तरीके को क्रिएटिव में जाकर टेस्ट करें। तो स्पार्क ने एक नया वर्ल्ड बनाया और फिर से सोल सैंड के पास बेड को एक्सप्लोर किया और हमें सोल सैंड मिल भी गई, जिसका शायद ये मतलब था जिस एरिया में हमने बेड एक्सप्लोर किया वहां पर सोल सैंड के साथ लावा था तो शायद सारे ब्लॉक्स लावा में गिर गए, जिसका मतलब ये था कि हमें किसी खुले एरिया पर बेड एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो फिर हम वापस घर आए। हम सिर्फ एक ही मॉब को मार सकते थे जो था विदर स्केलेटन और उसे हम मार चुके थे तो विदर बॉस को अब हम खुद नहीं मार सकते थे। तो इसीलिए हमने सोचा कि उसे हम मारेंगे गोलम भाइयों की सहायता से। हमारा प्लान था नेदर रूफ पर जाकर विदर को ट्रैप करना, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, हम माइन तो कर ही नहीं सकते थे तो हम ऊपर कैसे जाएंगे। इसके लिए हमने काफी ज्यादा सोच विचार किया और हमें इसके लिए भी एक तरीका मिल गया जो था बेड के एक्सप्लोजन से नेदर एग को तोड़ना। और इस चीज को मैंने क्रिएटिव में जाकर टेस्ट किया और ये काफी अच्छे से काम कर रहा था। तो शेर का इस्तेमाल करके हमने पंपकिन से सीड्स निकाले, हम ब्लॉक को तोड़ नहीं रहे तो ये अलाउड है। फिर विलेज के नजदीक ही हमने पंपकिन को फार्म किया और फिर काफी देर तक हम सिर्फ शेप को शेयर करते रहे। साथ ही विदर स्केलेटन को मारकर हमें बहुत सारी बोन्स भी मिली थी तो हमने काफी सारी लकड़ी काट कर ढेर सारे बेड बनाए। अगले काफी सारे दिनों तक हमने पंपकिन के ग्रो होने का वेट किया और कॉबल माइन किया वही नेदर में ट्रैवल के लिए। नेदर में जाकर हमने सबसे पहले सोल सैंड इकट्ठा की। आग लग गई। मिला कुछ? हाँ मिल गया। 16। और फिर हमारा प्लान था कॉबल का इस्तेमाल करके जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर जाना। तो हम ब्लॉक्स का यूज करके ऊपर गए और फिर बेड का एक्सप्लोजन करके बेडरॉक तक भी पहुंच गए। इस काम को करने के लिए हमें काफी सारे कष्टों को सहना पड़ा था और ये चीज गलत हो जाए इसका हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे। तो हमने एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढकर विदर को स्पॉन करके बेडरॉक में ट्रैप किया। वैसे डैमेज थोड़ा सा भी नहीं हुआ। बोलो भाई अपने सिर के ऊपर देखो, सिर के ऊपर ये है इधर, सिर के ऊपर। जब तक इसे हिट नहीं करेगा तब तक नहीं मारेगा ये।
यस यस बिल्कुल बिल्कुल ठीक गोलम भाई, इधर ही इसकी पूंछ दिख रही है देखो। गोलम भाई कम ऑन, मुश्किल है, बहुत सारे बना देंगे चल। ओ आया नीचे, आया नीचे, आया नीचे, आया नीचे, आया नीचे, आया आ गया नीचे। जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा काम है दोस्तों, अब कम ऑन मारना यहाँ पे, बस बस। हाँ यस 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 यस, लेट्स गो, यस यस लेट्स गो, लेट्स गो। अरे हो गया। मिल गया। लास्ट में आयरन गोलम भाई पूरी यूनिटी में आ गए। या भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप, शीश था। चला जा, स्टाइल में जाएंगे नीचे, लावा में नहीं पहुंचा दियो। आजा आजा आजा, ए लेट्स गो, आइए चल। तो हमारा सबसे मुश्किल काम कंप्लीट हो गया और फाइनली हमें नेदर स्टार भी मिल गया। तो वापस आकर हमने एक बीकन बनाया और अब बचा था सिर्फ एमरल्ड पिरामिड बनाना। तो हमने डे 190 से भी ज्यादा तक AFK किया और फिर विलेज में जाकर बहुत ही सारे एमरल्ड खरीदे। ये हमारा अभी तक का सबसे मुश्किल, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मजेदार प्रोजेक्ट था। और साथ ही इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए हमें माइनक्राफ्ट में 200 दिन से भी ज्यादा का टाइम लग गया। तो अगर तुमने इस वीडियो को थोड़ा सा भी एंजॉय किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।